हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रवि टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग मैथ का पांच महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाले। देखिए पांचों क्वेश्चन पांचों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन सबको पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिए देखिए कि आप पाँच में से कितना नंबर ला पा रहे हैं, आपका तैयारी कैसा है, आप अपना तैयारी जांच सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला, दो वर्षों के लिए 8% की दर से ₹100 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ₹48 एक्स का मान क्या है। देखिए इसका हम शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं एगो, ठीक है। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला सवाल दे तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 और इंटू दर बटे 100। यदि दो साल के बोल का बोले तो इतना तक ही फार्मूला होता है, यदि तीन साल का बोले, ऐसा सवाल में आपको या तो दो साल का पूछेगा या तो तीन साल का पूछेगा। यदि तीन साल का बोलेगा तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इंटू 300 प्लस दर बटे 100। क्या समझ में आया, देखिए जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला सवाल दे तो अंतर बराबर फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। दो साल का इतना दूर तक ही फॉर्मूला रह जाएगा, और यदि तीन साल का बोलेगा तो हो जाएगा इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इंटू 300 प्लस दर बटे 100। हम लोग कितना साल का बोल रहा है, दो वर्षों के लिए, ठीक है। अंतर कितना दे तो इतना दूर ही हम लोग का फॉर्मूला यूज होगा, इतना दूर है चूँकि दो साल का बोल रहा है। अंतर दिया हुआ ₹48, एक्स मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स रुपये मूलधन ही एक्स बोल रहा है, मूलधन को एक्स माना है, एक्स निकालने बोल रहा है, मतलब मूलधन निकालने बोल रहा है, इंटू दर बटे 100 फॉर्मूला होता है। दर कितना 8%, 8/100 और दर बटे 100, फिर दर दिया हुआ 8%, 8/100। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। सोल्व कीजिए, देखिए ये बराबर में है तो 8 × 6 = 48 कट जाएगा, ऊपर नीचे कट दीजिए, 4 × 2 = 8 और 25 × 4 = 100, फिर 2 से ये कटेगा, 2 × 3 = 6 कट जाएगा। अब तो कहीं नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला। ऊपर x को x से गुना कीजिएगा, x हो जाएगा, और ये ऊपर में है यहाँ पे 3, और ये दोनों गुना हो जाएगा, और ऊपर देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, x इधर आके नीचे गुना हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं, x x से गुना होगा, 1 x हो जाएगा, बराबर 100 × 25 और गुना ऊपर जाके ऊपर कोना कोनी दोनों गुना हो रहा है, 3 से गुना हो जाएगा, तो 25 × 3 = 75 और 00 = 00। एक्स किसको माने थे, मूलधन, मूलधन कितना निकल गया, एक्स बराबर 7500। किस ऑप्शन में देखिए तो दो नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है, देखिए जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी SSC CHSL 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ 616। समझिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 दिया हुआ है, तो आपको त्रिज्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। देखिए पाई का मान नहीं दिया हुआ तो कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर बराबर 616। अब देखिए तो 22 से देखिए 22 से कट रहा है कि हाँ 22 × 2 = 44, 22 से काट रहे 616 को, 22 × 2 = 44 हो गया, बच गया क्या है तो कितना शेष बच गया है, 44 × 6 = 50 और 61 है, तो 11 × 6 = 17 बच गया, 6 है तो कितना लास्ट में 6 है, तो कितना 176 शेष बच गया। यहाँ पे 22 को दो बार कटे 44, 176 शेष बचा। अब देखिए तो 22 से 8 बार में देखिए 8 बार में 176 कट जाएगा, 22 × 8 = 176, मतलब 22 × 6 = 16 को 28 बार में पूरा पूरी काट दे रहा, ठीक है। अब देखिए तो आर स्क्वायर बटे 7 है और इधर 28 है, तो कुछ नहीं तो एक है, कोना कोनी गुना हो जाएगा, आर स्क्वायर को एक से गुना कीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर 28 को 7 से गुना कीजिए, 28 × 56 = 6, हाथ में रहा 5 × 7 = 14 और 5 = 19, आर स्क्वायर बराबर 196, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √196, तो √196 मतलब 196 किसका स्क्वायर है, 14, √196 का कितना हो जाएगा मान, 14 का स्क्वायर होता है 196, आर का आर ही पूछ रहा था, त्रिज्या याद करें, आर बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। किस ऑप्शन में देखिए तो एक ही नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, आर बराबर कितना हो जाएगा, 14, एक नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग सोल्व करते हैं, इसको मिटाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हम लोग का। देखिए तो यदि कोई खम्बा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर इतना 4√3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है तो उस समय सूरज के उन्नयन कोण, ठीक है
देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक खंबा, आप समझिएगा, यदि एक खंबा 12 मीटर ऊंचा है, खंबा है कितना ऊंचा है, 12 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और पृथ्वी पर इसका इतना मीटर लंबा परछाई कितना है, 4√3। तो पूछ रहा है कि उस समय सूरज का उन्नयन करिए, कौन पूछ रहा है कितना डिग्री में। देखिए लंब आधार दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार किस में होता है, टेन थीटा में, टेन थीटा में होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, पी बटे बी, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा बराबर लंब कितना है 12, आधार कितना दिया है 4√3, ठीक है। देखिए कटेगा 4 3 12, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3/√3 है, तो इसको लिख सकते हैं, 3 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, अब बटे √3 दिया हुआ है, 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हैं क्या नहीं, आपको यदि 2 ही बोले, 2 को लिखने बोलेंगे तो √2 × √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, तो 3 को √3 × √3 कर दिया, नीचे √3 था, तो 1√3 × √3 कट जाएगा, अब टेन थीटा बराबर क्या बच जाएगा, √3। अब देखिए तो टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है, टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है, टेन साठ डिग्री का मान √3 होता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, चूँकि √3 आया, टेन साठ का मान होता है √3, 60 डिग्री हो जाएगा। किस ऑप्शन में देखिए तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या बोला देखिए तो, यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाती है तो 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिन में बनाएगी। देखिए इसका भी हम लोग शॉर्ट वीडियो बता चुके हैं, इसका क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखिए m1 × d1 × h1 / w1 बराबर m2 × d2 × h2 / w2। MDH मसाला खाते हैं ना, बस वही MDH मसाला याद रखिएगा, m1 × d1 × h1 / w1, m2 × d2 × h2 / w2। एम मतलब आदमी, औरत, बच्चा, जो भी काम कर रहे हैं, डे मतलब दिन, एच मतलब घंटा, डब्ल्यू मतलब वर्क क्या कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, 7 मकड़ियाँ, एम कितना दिया है 7, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, काम क्या कर रही है, 7 जाल बनाती है, तो बोल रहा है 1 मकड़ी, एम कितना दिया है 1 मकड़ी 1 जाल, काम क्या कर रहा है, डब्ल्यू क्या कर रहा है, 1 जाल को कितने दिन में बनाएगी। देखिए इस सवाल में कहीं भी आपको घंटा का काम नहीं दिया है, तो घंटा होगा या नहीं, घंटा रहता तो उसको भी ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 7 से 7 कट गया, एक्स बराबर सिंपल से तो आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया 7 आ गया, कितना दिन में कर सकता है 7, 1 7 किस ऑप्शन में देखिए तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं आज का, हम लोग यहीं पर आज का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन सबको पहले आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, देखिए कि आपका 5 में से कितना नंबर आ पा रहा है, आपका प्रैक्टिस आपका ई कैसा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहे हैं कि हल कीजिए, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 3 3 bx az, जेड है, ठीक है, जेड है, उसके बाद बटा में क्या दिया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट है, बटा में है 41 ab, इतना दिया हुआ है। अब इसको हल करना है, कितना आसान सवाल है, लेकिन देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे CHSL 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। ए और बी यहाँ है, ए और बी यहाँ है, ऊपर नीचे कट गया, अब 41 से 533 कटे हैं क्या, देखिए काटिए तो 41 एकम 41, शेष कितना बचे 41 9 50 9 3 12, 127 शेष बचेगा, 41 कितना, देखिए 3 बार में 41 दिया 127 आ जाएगा, तो 41 533 को 13 बार में काट दे रहा, ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना बच गया 13 xz, x और z इतने ना बच गया ऊपर, यही हो जाएगा आंसर, किस ऑप्शन में, देखिए 13 xz, देखिए 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए आज का हम लोग मैथ का 5 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, आपका 5 में से कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।